नमस्कार दोस्तों, कार्टून वीडियो एक ऐसा वीडियो होता है जिसका भाई बहुत ही ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि भाई छोटे बच्चे उसको देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों मोटू पतलू एक ऐसा कार्टून वीडियो है जिसको भाई छोटे बच्चे तो छोड़ ही दीजिए, बड़े बूढ़े तक देखना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई मोटू पतलू कार्टून ना एक ऐसा ही कार्टून है, ट्रेंडिंग कार्टून है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ही आप लोग को बताने वाला हूं कि भाई एक ही क्लिक में या तो आप लोग जितना चाहे अनलिमिटेड जितना चाहे उतना वीडियो क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल अपलोड करके भाई महीने के लाखों रुपए तक अर्न कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ पहले व्यूज दिखा रहा हूं कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई महीने के लाखों करोड़ों तक अर्न कर रहे हैं। अभी देखिएगा, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के अंदर YouTube को ओपन करता हूं। YouTube को ओपन करने के बाद यहां पे सर्च वाले पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैं सर्च करता हूं मोटू पतलू कार्टून। इतना लिखने के बाद यहां पे आप लोग व्यूज देख सकते हैं कितना ज्यादा व्यूज आया है, 2.1 मिलियन। ये अलग अलग यूट्यूब चैनल है और ये दूसरा यूट्यूब चैनल सोनिक गेन करके है। यहाँ पे दो हफ्ते पहले अपलोड हुआ है लेकिन भाई यहाँ पे 4.2 मिलियन व्यूज आया। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि मैं लॉन्ग वीडियो का व्यूज दिखा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो का नहीं दिखा रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो अगर आप व्यूज देखते हैं ना तो भाई आप लोग के होश ही उड़ जाएंगे, इतना ज्यादा भाई मिलियन में छोड़ ही दीजिए, 100 मिलियन तक व्यूज आता है। अभी देखिएगा, यहाँ देखिए सिर्फ 3 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड हुआ है लेकिन 22,000 व्यूज आया, सिर्फ 3 घंटे में 22,000 व्यूज आया। अब यहाँ मैं नीचे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 8 घंटे पहले ये भी अपलोड हुआ है, ये अलग चैनल है, अभी ये न्यू चैनल होगा, फिर भी भाई 8 घंटे में 8,000 व्यूज आया है। और यहाँ देखिए सिर्फ 2 हफ्ते पहले अपलोड हुआ है 10 मिनट का वीडियो, 1.1 मिलियन व्यूज आया। 1 महीने पहले अपलोड हुआ है 11 मिनट का वीडियो लेकिन 13 मिलियन व्यूज आया। और मैं नीचे दिखा देता हूँ, देख सकते 1.1 मिलियन। यहाँ पे देख सकता है भाई यहाँ पे लाइव स्ट्रीम की तरह चला रहे हैं ये सब, तब भी भाई 13 मिलियन तक व्यूज आया है। और ये भी वीडियो का लेंथ देख सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट 19 सेकंड तक का है। और यहाँ पे देख सकते हैं 8 घंटा 8 मिनट 6 सेकंड तक का है, लेकिन एक महीने पहले लाइव स्ट्रीम चला हुआ है लेकिन भाई 3.9 मिलियन व्यूज आया। अब आप लोग भाई सोच ही सकते हैं कि लाइव स्ट्रीम करने पे भी भाई मिलियन में व्यू जा रहा है, वो भी 3-3, 4-4 मिलियन व्यू जा रहा है। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे ये अर्निंग कर रहे होंगे और कितना ज़्यादा ये ट्रेंडिंग कंटेंट है। सबसे पहले मैं आप लोग को अर्निंग भी दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर इनके सोनिक गेन करके जो चैनल है उनका अर्निंग दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं व्यू दिखा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर भाई 411 मिलियन व्यूज आया। मैं खुद भाई यहाँ पे शॉर्ट लग गया मुझे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए सिर्फ 30 दिन के अंदर भाई 411 मिलियन व्यूज आया और जो भाई इनके सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर 870,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, मतलब दोस्तों बढ़े हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर। और जो इनका अर्निंग यहाँ पे देख सकते हैं भाई, एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग $1,200 से लेकर $1.6 मिलियन तक। अब दोस्तों $1,200 बहुत ही बड़ा रकम होता है, अगर 1 लाख को छोड़ दीजिए, अगर $10,000 अगर आप लोग इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करते हैं ना तब भी भाई बहुत ही बड़ा रकम होता है। और यहाँ तो भाई $1,200 तक है, ठीक है। तो आप लोग को तो भाई यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि कितना ज़्यादा ये अर्निंग कर रहा है। अब दोस्तों देखिए मैं आप लोग को एक ऐसे साइट के बारे में बता दूंगा कि भाई एक ही क्लिक में या आप लोग जितना चाहे उतना अनलिमिटेड वीडियो ले सकते हैं। देखिए जितने बड़े बड़े चैनल होते हैं ना सभी के सभी कुछ चीज़ ऐसा होता है, कुछ कार्टून वीडियो ऐसा होता है जो खुद से क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये सब जो वीडियो होता है ना ये भाई ऐप से क्रिएट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सभी ऐप से क्रिएट करते हैं और वही चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा। कोई टेंशन नहीं लेना, आपके वीडियो में कोई क्लेम नहीं आएगा, ना ही आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100%, ये जान लीजिए। बस आप लोग भाई स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से मुझे फॉलो करिएगा, बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल डिटेल में अच्छी तरह से देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को एक नया तरीका बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग ऐप देख गए तो आप लोग खुद से क्रिएट कर लीजिएगा, नहीं, इतना भाई ऐसी गलती मत करिए। अभी तक आप वीडियो जब वॉच कर लिए हैं तो आगे भी 2-4-10 मिनट वॉच कर लीजिए, आपका भाई तकदीर भी बदल सकता है। यहाँ देखिए सबसे पहले सर्च वाले पे क्लिक करना है, ऊपर सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है मोटू पतलू, यहाँ पे स्केट बोर्ड रन हीरो, इतना लिख देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये वाला ऐप मैं यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन दोस्तों लास्ट में अभी वीडियो के आगे अभी आप लोग को पता चलेगा कि मैं आप लोग को एक ऐसा यूनिक तरीका कौन सा बताने वाला हूँ जिसपे भाई आपका मन ही खुश हो जाएगा। मैं बहुत ही ज्यादा अलग बताऊंगा भाई, यूट्यूबर कोई भी यूट्यूब वाला ऐसा आप लोग को नहीं बताया होगा, जितने भी यूट्यूब वाले होते हैं सभी के सभी भाई अपने व्यूज के चक्कर में रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई मेरा व्यूज उतना ही आए जितना आए, लेकिन भाई दोस्तों
जिस जो कोई मेरा वीडियो देख रहा है उसको समझ में आए, अच्छी तरह समझ में आए, वो मेरे से शिकायत कोई ना करे कि सर आपने ये बताया और मुझसे मेरे चैनल पे या मेरे में ये मतलब वगैरह वगैरह कोई कमी ना हो, ठीक है। आप लोग समझ जाइए, तो इस ऐप को आप लोग को इंस्टॉल कर लेना दोस्तों। जो यूनिक तरीका है वो तो आपके आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन भाई मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ जो इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी इस ऐप को आप लोग ओपन करिएगा तो अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। जैसे मैं आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरह से आप लोग अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग भाई अपने मोबाइल का डाटा जो है उसको ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा ऐड देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी इस ऐप को ओपन करिएगा तो अपने मोबाइल का डाटा ऑफ कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने मोबाइल का डाटा यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ और इसको प्ले करता हूँ, यहाँ इस तरह से प्ले करना है, ठीक है। अब प्ले करने बाद इस तरह से ये ओपन होगा, यहाँ पे गर्मी कुछ ज़्यादा ही है फिलहाल तो, लेकिन आप लोग भाई आप लोग के वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग भी भाई मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। यहाँ देखिए इस तरह से ये आएगा, अब इस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब प्ले विथ या प्ले विथ मतलब यहाँ पे प्ले विथ मोटू और प्ले विथ पतलू, आप लोग अपने पे डिपेंड कर सकते हैं कि मोटू को दौड़ाना है या भाई पतलू को दौड़ाना है, वो तो आप लोग कर सकते हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कंटेंट की कमी पड़ेगी, अभी आप लोग को मैं एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीका बताऊंगा। यहाँ देखिए इस पर आप लोग को क्लिक कर देना, अब देखिए ओ भाई यहाँ पे अब ये दौड़ा रहा है, अब देखिए इसको खेलना है, आप लोग को इसी तरह से पूरा गेम को खेल लेना है, जैसे कि यहाँ से जंपिंग कर लेना है। अब यहाँ पे चिंगम सम दौड़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे चिंगम सम दौड़ा रहे हैं और यहाँ पे 20 मीटर का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना मज़ेदार यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितना मज़ेदार इस तरह से आप लोग को खेल लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से खेलना है, देख सकते हैं इस तरह से आप लोग को, आगे जितना ही खेलेंगे उतना ही आप यहाँ पे आप लोग करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को कट कर, मान लेता हूँ आप लोग गेम खेल चुके हैं और आप लोग को भाई वीडियो भी मिल चुका है। अब आप लोग को अपना एक्टिविटी ऐड करना है, मतलब दोस्तों आप लोग को वीडियो को क्रिएट करना है। तो दोस्तों देखिए क्रिएट करने के लिए ना मैं आप लोग को जो तरीका बताऊंगा ना वो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को करना है कि अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन करना है, यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे नीचे होम पे अगर रहेगा तो इस तरह से आइकन आएगा, मैं इसलिए आप लोग को स्टेप में दिखा रहा हूँ ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई अभी न्यू चैनल बनाए हैं, न्यू अभी क्रिएट किए हैं, तो उन लोग को भाई थोड़ा सा समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग को पता है तो बस 2 सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर होम पे रहेगा इस तरह से रहेगा, लेकिन अगर क्रिएट पे क्लिक करेंगे नीचे तो ऊपर क्रिएट का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग वीडियो पे ही काम करना है, शॉर्ट वीडियो पे भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोग को अभी आगे बता दूंगा, लेकिन लॉन्ग वीडियो का यहाँ रेशियो है तो लॉन्ग वीडियो से ही आप लोग को काम करना है। तो यहाँ पे 16:9 पे ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, उस पर रहने देना और नीचे क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को क्रिएट पे क्लिक कर दे। अब दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी जाके आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को मीडिया पे क्लिक करना है और अभी आप लोग जो गेम खेलकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद बैक जाना है, बैक जाने पर लास्ट पॉइंट पे लेकर जाएगा तो एक बार डिस्प्ले टच कर देना है और इसको प्ले कर देना है। प्ले करते ही स्टार्टिंग पॉइंट पे ये आ चुका है, अब आप लोग को वीडियो पे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह से स्क्रॉल करना है, जो फालतू का पार्ट है उसको आप लोगों को कट करना पड़ेगा। तो ये देखना है आप लोगों को कि आपका जो गेम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारा गेम है यहाँ से, थोड़ा सा और मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर आप लोग को रोक देना है। रोकना तो यहाँ पे साइड में आप लोग को ऊपर कैंची का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कैंची पे क्लिक करना है, ट्रिम लेफ्ट कर देना है, उसके बाद आप लोग को फिर दोबारा स्क्रॉल करना है और देखना है कि आपका जो वीडियो है कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक आप लोग गेम खेले हैं। तो मान लेता हूं मैं यहां तक गेम खेला हूं 28 सेकंड तक, ठीक है, मैं आप लोग को एग्जांपल बताने के लिए जो वीडियो का लेंथ है वो 28 सेकंड ही रख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसका लेंथ जो लंबा करूंगा तो आपका टाइम ज्यादा बढ़ेगा, तो आप लोग को भाई एग्जांपल के लिए मैं तौर पे समझा रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, इसीलिए यहां पे छोटा लेंथ रख रहा हूं। तो यहां पे 28 सेकंड तक मैंने खेला है, 28 सेकंड तक मैं रोक लेता हूं, उसका ट्रिम राइट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये फालतू का पार्ट जो आगे का भी है वो भी कट जाएगा। अब आप लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, अब बैक आना है, यहाँ पे बैक कर देना है, बैक करने के बाद इसका जो साउंड है उसको म्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिक्सर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, मिक्सर पे क्लिक करना है, 100 इसको 0 कर देना है और इसको ऑन कर देना है, इससे दोस्तों इस वीडियो का जो साउंड है वो म्यूट हो चुका है। अब आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है, फिर दोबारा बैक जाना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर ब्लैक कलर का और नीचे ब्लैक कलर का, यहाँ पे साइडो की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को फुल रेशियो पे नहीं है, तो इसको आप लोग को फुल रेशियो पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो पे क्लिक करना है और नीचे जाना है और यहाँ पे आप लोग को पैन एंड जूम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को पैन
ज्वाइन एंड जूम पे क्लिक करना है, फिर दोबारा इक्वल पे आप लोग को क्लिक करना है। इक्वल पे जरूर क्लिक करिएगा, अगर इक्वल पे नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग में जूम होगा और बाद में जाके आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल पे जरूर रखिएगा। उसके बाद इस तरह से आप लोग को यहाँ पे इस तरह से यहाँ एडजस्ट कर देना। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई अगर देखेगा इस वीडियो को ना तो बता नहीं पाएगा कि भैया ये वीडियो गेम से लिया गया, मतलब ऐप से लिया गया, कोई भी नहीं बता पाएगा। तो यहाँ देखिए बैक जाना है। अब बैक जाने पर देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोगो आप लोग को दिखाई दे रहा है, कोई लोगो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, नीचे बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद टैक्स पे जाना है और अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सोनू पासवान, ठीक है, आप लोग अपने पे लिखिएगा, ऐसा नहीं कि सोनू पासवान ही लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को अपने चैनल का नाम लिख देना है। लिखने के बाद आप लोग क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे इस तरह से कर देना है, थोड़ा सा इतना बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फॉन्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को फॉन्ट पे क्लिक करना है, एंड्रॉइड पे जाना है, रोबोटो बोल्ड यहाँ पे ले लेना है, यहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका जो लेंथ है इस तरह से आप लोग को बढ़ा लेना है, देख सकते हैं इस तरह से आप लोग को बढ़ा लेना है, ठीक है, इस तरह से पूरा फुल रेशियो पे आप लोग को कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका ये मतलब कोई कंटेंट ले नहीं पाएगा, मतलब कॉपी नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे जाना है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे येलो रख लेना है। येलो करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को आउटलाइन पे जाना है और इसको ऑन कर देना है। यहाँ देख सकते हैं सही दिखाई देने लगा, यहाँ से इसको कम बेसी भी कर सकते हैं, ब्लैक शैडो जो है ये 11 पे रख लेता हूँ। अभी इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं, जो फिगर वाला लोगो होता है ना राउंडिंग वाला, उसको भी आप लोग यहाँ पे कॉर्नर पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई क्लेम नहीं, कोई स्टैग नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आप लोग को। अब यहाँ पे आप लोग को अपना एक्टिविटी ऐड करना है। दोस्तों देखिए बस इतना ही था, आप लोग अगर चाहते हैं थोड़ा फिल्टर यूज करना फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसे वीडियो पे क्लिक करना है, नीचे जाना, जैसे सीरियल नंबर चेंज करना होता है जो यूट्यूब कोडिंग के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले फिल्टर पे क्लिक कर देना और एक फिल्टर यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करना यहाँ देख सकते हैं ज्यादा लाइट में हो चुका है, तो इसको एडजस्ट करना है, इस तरह से आप लोग को रखना है। 24 पे कर देना है, यहाँ पे 24 नहीं 20 पे रख लेना, ज्यादा लाइट हो जा रहा है, ठीक है, अपने वीडियो के अनुसार रखिएगा। उसके बाद बैक आना है, फिर बैक आना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे आप लोग को भाई REC का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मतलब दोस्तों अभी यहाँ पे आप लोग को वॉइस ओवर देना पड़ेगा, मतलब अपना एक्टिविटी ऐड करना पड़ेगा, वो तो भाई आप लोग को करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर देते हैं तब भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन करना पड़ेगा। और इतना याद रहे कि आप लोग AI के मदद से मत बुलवाइएगा, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में क्लेम नहीं आता है, ना ही कोई कंटेंट पे रियूज कंटेंट आता है, लेकिन बाद में दिक्कत होता है चैनल पे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया लॉन्ग टाइम तक मैं यूट्यूब पे काम करूं, तो वॉइस ओवर खुद का करिएगा, ऐसा नहीं आप लोग को फिगर दिखाना है, भाई वॉइस ओवर ही तो करना है, फिगर क्या दिखाना है, फिगर मत दिखाइएगा। जैसे अज्जू भाई इतने बड़े टोटल गेमिंग के भाई इतने बड़े गेमर थे, लेकिन अपना वॉइस करते थे ना भाई, फेस नहीं दिखाते थे, वॉइस तो करते थे, अब जाके फेस रिवील हुआ, उसी उसी तरह से आप लोग करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ देखिए REC पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग को यहाँ पे यूनिक तरीका देखना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे वॉइस ओवर करेंगे कि भाई कोई भी बंदा आपके वीडियो पे देखे या रुके तो आपके वीडियो को लास्ट तक वॉच करे, ठीक है। यहाँ देखिए अभी यूनिक तरीका मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। रुक जा मोटू, रुक जा, आज मैं तेरे को पकड़ के रहूंगा, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अगर आजा चिंगम आजा आजा, तू मुझे पकड़ के दिखा, मैं पकड़ नहीं पाएगा, रुक जा मोटू तेरे को आज मैं बताता हूँ, तू मेरे हाथ से चढ़ गया ना आज तेरी खैर नहीं, रुक जा भाई, ओ भाई यहाँ पे समोसे तू खा रहा, रुक जा मैं तेरे को पकड़ के ही रहूंगा, आज मानूंगा नहीं भाई, आज नहीं मानूंगा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ओ रुक जा रुक जा रुक जा, ओ रुक जा रुक जा, आजा चिंगम आजा 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 आजा, ओ भाई अभी तो भाई तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, आगे दिखा तू मुझे पकड़ के दिखा, रुक जा। इस तरह से मतलब आप लोगों को यहाँ पे वॉइस ओवर देना है, ठीक है। तो देखिए वॉइस ओवर देने के बाद ना सबसे पहले आप लोग को अपना साउंड इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है, तो उसके लिए मिक्सर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस ओवर पे क्लिक है, क्लिक करके उसके बाद मिक्सर पे जाना है, 100 इसको 200 पर देना है और इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों आप लोग को करना क्या, यहाँ पे एक बार प्ले करना है, ठीक है, प्ले करके चेक करना है। अब देखिए यहाँ से मेरा वॉइस ओवर हुआ है, तो यहीं पे मैं रोक देता हूँ, फिर इस पे क्लिक करना है, नीचे जाना है कैंची पे और ट्रिम लेफ्ट कर देना है और इसको प्रेस करके यहाँ पे स्टार्टिंग पे ला देना है। अब दोस्तों आप लोग क्या करना है, लास्ट पे जाना है, फिर दोबारा इस वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची पे जाना, ट्रिम राइट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले लेयर पे क्लिक करना है, कैंची पे जाना, ट्रिम राइट कर देना है, ये तीनों लेयर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसमें आप लोग को कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं अपने मर्जी से यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आइडियो पे क्लिक करना है, नीचे जाना है फोल्डर पे और यहाँ पे यूट्यूब पे जाकर कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, जैसे यही कर सकते हैं या तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते ही फिर मिक्सर पे जाना है, 100 है इसको आप लोग को 25 या 20 या 30 पे आप लोग को अपने वॉइस के अनुसार रखना, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक है आप लोग को स्लो रखना पड़ेगा, इसको ऑन कर देना, फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब यहाँ पे मैं प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ आजा आजा तू मुझे पकड़ के दिखा, मैं पकड़ नहीं पाएगा,
रुक जा मोटू, तेरे को आज मैं बताता हूँ, तू मेरे हाथ से चढ़ गया ना आज तेरी खैर नहीं, रुक जा भाई। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे भाई बड़े से बड़े चैनल वाले जो है वो क्रिएट करते हैं, लेकिन दोस्तों वो वॉइस ओवर नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि भाई वो वहाँ पे ना वो डोनेट करते हैं, मतलब वो क्रेडिट देते हैं, तो आप लोग भाई क्रेडिट दे नहीं पाएंगे, इतना तो पैसा है नहीं। इसीलिए दोस्तों आप लोग वॉइस ओवर करिएगा, तभी जाके आप लोग का जो चैनल है वो चलेगा। और यहाँ पे कोई भी लोगो ना दिखना चाहिए, जो भाई ऐप वाला लोगो है वो ना दिखना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग का ये कंप्लीट हो चुका, आप शेयर यहाँ पे इसको सेव करना है, तो राइट साइड में कॉर्नर पे आप लोग को एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने यहाँ पे भाई लॉन्ग वीडियो तो इसको फुल रेशियो पे रख लीजिएगा 1440 पिक्सल पे, और फ्रेम रेट 60 पे करिएगा, और ब्राइटनेस आप लोग इसको 13 पे कर दीजिएगा, ठीक है, ब्राइटनेस यहाँ पे 13 पे कर दीजिएगा, 13 या 12 भी कर सकते हैं। उसका सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है, ये आपके गैलरी में ये सेव होने लगा। अब दोस्तों जो यूनिक तरीका है, सबसे पहले मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं, तो आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करता हूं, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च वाले पे क्लिक करता हूं, फिर दोबारा ऊपर सर्च वाले पे क्लिक कर देता हूं, उसके बाद अभी आप जो आप लोग के सामने मैंने मोटू पतलू गेम लिख कर सर्च किया था वही यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऐप से मैं आप लोग को बताया हूँ, मतलब इस ऐप को मैंने इंस्टॉल किया है। लेकिन दोस्तों जो यूनिक तरीका है ना, थोड़ा दिमाग आप लोग को यूज करना पड़ेगा, वो क्या करना है आप लोग को देखिए, जैसे कि इससे मैं इस समय बताया हूँ, आप लोग इससे एक दिन करिएगा, फिर दोबारा इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, इससे कल करिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, मतलब 5-6 ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक एक दिन अंतर करके, मतलब आज इससे कर रहे हैं कल उससे करिएगा, परसों उससे करिएगा, नरसों उससे करिएगा। इस तरीके से अगर आप लोग भाई क्रिएट करके अपलोड करेंगे तो आपके जो कॉन्टेंट है वो यूनिक तरीका बन जाएगा और आपके चैनल को ग्रो होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस यही एक यूनिक ट्रिक था जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय।